रघुनाथ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पसंदीदा चीजें खाने को लाया है, आओ आकर जूठा करके जाओ। कुत्ता भी नहीं छुआ दादाजी, मुझे लगता है कि मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी, कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेने वालों को शांति कैसे मिल सकती है, लेकिन हमारे गांव में ये आम बात है। चलो चलते हैं। उनकी मौत बहुत जल्द। 15 गांवों के बीच में हुमायूंपुर नामक नगर है। उन 15 गांवों का मुख्य द्वार हुमायूंपुर है। हुमायूं वंश के लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के मुखिया बनकर रहते थे, इसलिए उस नगर को उनके घर के नाम से ही बुलाते हैं। हुमायूं वंश के लोग अधिक धन के लालच में अड़ोस पड़ोस के गरीब किसानों को अधिक ब्याज पर ऋण देकर पैसा समय पर ना लौटाने पर उनके खेत घर सब कुछ जब्त करके बहुत से लोगों के मौत का कारण बन रहे थे हुमायूं वंश के लोग। हुमायूं वंश के लोगों के रिश्तेदार, उस वंश से संबंधित सभी लोग आसपास के गांवों में हैं। वे सभी अपने माथे पर 3 सिर वाला सांप का टीका लगाते हैं। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, वे सीमा पार नहीं करते। अपने हाथ में काले ताबीज के बिना बाहर कदम नहीं रखते। अंधेरा होने पर भी कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर घरों में छिपे रहते हैं। हुमायूं वंश के लोगों की वजह से आत्महत्या करने वालों की आत्माएं उनसे बदला लेने के लिए प्रेतात्मा बनकर उन्हें मारने के लिए हुमायूं वंश के लोगों के घर के आसपास घूमते थे, लेकिन नाग यंत्र के कारण वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। कौन हो तुम? तुम क्या चाहती हो? तुम इतनी रात को क्यों आई? कृपया आप ही मुझे बचाइए, मैं पड़ोस गांव से हूँ, मेरे पिता को सांप ने काट लिया। मैं क्या कर सकता हूँ, गांव के आखिरी छोर पर वैद्य रहते हैं, वहाँ जाओ। वैद्य ने बिना पैसों के दवाई देने से मना कर दिया। मेरी गाय को गिरवी रख कर मुझे 50 रुपए दे दीजिए। 1000 कीमत वाली गाय के लिए 50 रुपए देना लाभ ही होगा। दरवाजा खोल कर बाहर आया और पैसे उसके हाथ में दे ही रहा था, भयंकर भूत में बदल गई। धन की लालसा, तुम्हारे वंश के लोगों को क्यों धन की इतनी तृष्णा है? मरो! ऐसा कहकर उसके टुकड़े टुकड़े कर एक पेड़ पर लटका कर गायब हो गई। अगले दिन गांव के सभी लोग लाश के पास इकट्ठा हो गए। इस महीने में ये दूसरी बलि, महर्षि द्वारा बताए गए प्रतिबद्धता का उल्लंघन ना करो कहने से कोई नहीं सुनता। हमारे वंश के लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है भगवान। सुरेंद्र हुमायूं वंश का मुखिया है, 15 गांवों का भी मुखिया है। अचानक उनके अपने लोग मर रहे हैं ये जानकर बहुत महिमावान साधु राम जी के गांव में पूजा करके उन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं लगाई। सुरेंद्र, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग तुम्हारे वंश के लोगों के कारण मर गए, वे सारे लोग सरहद वाले बरगद के पेड़ के तने में तुम्हारे हुमायूं वंश की बर्बादी के लिए श्राप दे रहे हैं। वे प्रेतात्माएं सैकड़ों की संख्या में हैं, उनसे आपकी रक्षा करने वाले केवल 3 चीजें हैं, नाग चक्र, नाग टीका, नाग ताबीज। आपके वंश के लोगों को सरहद पार नहीं करना है। तब से महर्षि का कहा पालन करते हुए प्रेतात्माओं से बचकर जीवन बिता रहे हैं। कभी कभार कोई ना कोई मर जाता है,
लेकिन सुरेंद्र के तीन बेटों में आखिरी बेटा भूपति बहुत अच्छा है। वो गरीबों का दुख जानता है, लेकिन पिता का विरोध करने में असमर्थ चुपचाप घर पर ही रहता है। जबकि ऐसा था, भूपति की चहती चाची के घर पर बांधा गया, नाभियंत्र निकल गया था। चाची के साथ साथ घर के सभी लोगों को प्रेतात्माओं ने मार डाला। ये जानकर भूपति बहुत दुखी हुआ। भूपति बिन माँ का था, उसे चाची ने बचपन से माँ की तरह पाला था। प्रेतात्माओं के चाची को मार देने के बाद वैराग्य में वो भी मर जाना चाहता था, इसलिए किसी को बिना बताए अकेले ही सरहद पार करके निकल गया। पापी कुल में जन्मा पापी कहाँ जा रहा है? मेरे हाथ में आज तेरी मौत निश्चित है। जब वो भूपति को मारने ही वाले थे कि साधुराम महर्षि वहां आ गए, अपने कमंडल से उस पर प्रहार किया तो भूत उड़ गई। भूपति के गले में रुद्राक्ष माला डालकर, यह बहुत महिमावान विष हिरणी रुद्राक्ष है, यह किसी भी जीवित प्राणी के रक्त से जहर को मिनटों में निकाल सकता है और प्राण बचा सकता है, लेकिन ये केवल एक बार काम करता है। इसकी शक्ति तुमको 30 दिनों तक इन भूतों से बचाएगी। इस बीच तुम्हें गांव के सरहद के अंदर आना होगा। महर्षि क्यों आप मेरे जैसे पापी की रक्षा कर रहे हैं? कोई भी जन्म से पापी नहीं होता। आपके पूर्वजों के पापों के कारण तुम्हें और तुम्हारे वंश के लोगों को भूतों का श्राप लगा है। मुझे उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन उस श्राप को तोड़ सकते हैं? कब, कौन और क्यों? इन प्रश्नों का जवाब दे सकने वाले महात्मा ही आपके वंश को लगा अभिशाप को हटा सकते हैं। कब, कौन, क्यों? हाँ, कोई भी काम कब शुरू करना चाहिए, शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए, क्यों शुरू करना चाहिए, इन प्रश्नों का समाधान बताने वाला ही केवल तुम्हारे वंश को लगा श्राप को कैसे दूर करना है बता सकता है। जाओ खोजो, 30 दिन में वापस आ जाना। ऐसा बताकर महर्षि चले गए। उधर नागू के पिता की मृत्यु को 1 साल हो गया। फिर भंगी से मृत पिता की पसंदीदा चीजें बनाकर अकेले ही शमशान घाट पर आकर सब कुछ कब्र पर रखकर आकर देख रहा है, लेकिन इस बार भी कौए ने भोजन को नहीं छुआ। दुखी होकर रो रहे नागू को अपने पिता की आत्मा दिखाई दी। मेरी आत्मा को शांति मिलने के लिए हमारे खेत को छीनने वाला वो सुरेंद्र को या फिर उसके बेटे को मारना होगा। नागू, उसका बेटा सरहद पार कर जंगलों में अकेला घूम रहा है, उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन उसके गले में महिमावान रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के रहते हम जैसे भूत प्रेत और पिशाच उसे छू नहीं सकते। तुम उसे मार कर मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, तब फिर मैं तुम्हारा दिया हुआ पिंड का भोजन खाऊंगा। ऐसा कहकर गायब हो गया। नागू पिता की आत्मा की शांति के लिए भूपति को मारने के लिए चल पड़ा। दिन भर वह घूमता रहा। उसे गुरु जैसे दिखने वाले मांत्रिक को, तांत्रिकों को, सिद्धों को तीनों सवाल पूछ रहा है, लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा। अंधेरा होते ही बादल की भावना से भूत उसके चारों ओर उड़ने लगते हैं। गले में महिमावान रुद्राक्ष के कारण वे उसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन एक संत मिले, उनसे 3 प्रश्न पूछा। बेटा तुम्हारा जन्म, उनसे 3 प्रश्न पूछा। बेटा तुम्हारा जन्म एक महान कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तुमने जो प्रश्न पूछा है उसके पीछे एक रहस्य है। जिन महर्षि ने तुम्हें ये प्रश्न पूछने को कहा था, केवल उनके गुरु ही तुम्हारी समस्या का परिष्कार कर सकते हैं। यहाँ से 30 मील सीधा जाओ, उनका आश्रम आ जाएगा। वो संत के बताए दिशा की ओर जा रहा है। इतने में उसे याद आया कि और 4 दिनों में साधुराम महर्षि द्वारा बताए गए 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही जाते समय उसे जंगल के बीच में एक आश्रम दिखाई दिया। वो अंदर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था। वो दरवाजा खटखटाने वाला था,
बहुत अंधेरा हो गया है, गुरुजी सो रहे होंगे, सुबह मिलूंगा। ऐसा सोचकर वह आश्रम के पेड़ के नीचे सो गया। इतने में एक पथिक के वेश में नागू वहां आया। साहब, सफर करके थक गया हूँ, क्या मैं यहाँ आपके साथ विश्राम कर सकता हूँ? जरूर, मैं भी आपकी तरह पथिक ही हूँ। मैं आश्रम में गुरुजी से मिलने आया था, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आपका नगर हुमायूंपुर है? नहीं, हमारा गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर कोल्हापुर है। ओ, ऐसा क्या, काफी जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। ऐसा कहकर वो सो गया। नागो सोने का नाटक कर रहा था। काफी अंधेरा होने के बाद वो उठा और इधर उधर देखकर झाड़ियों से एक बड़ा पत्थर निकालकर सोए हुए भूपति को मारने ही वाला था कि झाड़ियों से एक सांप निकला और नागू के पैर में डस लिया। पत्थर नीचे गिराकर दर्द से चिल्ला रहा था। बाप रे, ओह सांप, सांप! उन चीखों से भूपति की नींद खुल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उसे साधु राम महर्षि की कही बातें याद आई। ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, इसमें जहर उतारने का गुण है। बिना एक पल के देरी किए रुद्राक्ष को गले से उतार कर सांप के काटने की जगह पर रखते ही रुद्राक्ष काला हो गया और सारा जहर सोख लिया और टुकड़ों में टूट गया। रुद्राक्ष के टुकड़े होते ही प्रेतात्माएं प्रकट होकर लेकिन शक्तिशाली आश्रम में प्रवेश करने में असमर्थ वे बाहर चक्कर लगा रहे हैं। सांप का जहर शरीर से उतरते ही नागू ने आंखें खोली। वो कौन है, क्यों आया, सब कुछ रोते हुए बताया। मैं तुम्हें मारने आया था, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी जान चली जाएगी, फिर भी तुमने मुझे बचाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो भूपति। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम मेरे पिता की वजह से मरे किसान रघुनाथ के बेटे नागू हो। मेरे पिता द्वारा किया गया अपराध क्षमा के लायक नहीं है। ये सब आसमान से देख रहे रघुनाथ की आत्मा को शांति मिली, दीपक में बदल कर गायब हो गई। इन चीख पुकारों की आवाज सुनकर घर के अंदर से निज नंदा स्वामी बाहर आए। आते आते ही अपने कमंडल को हवा में फेंक कर मंत्र पढ़ते ही एक एक आत्मा भस्म हो गई। त्रिवेदी लोक नाश भूत प्रेत पिशाच पताल गति कर्म विनाश कर्म भस्म कर्म। उसने जो कुछ घटित हुआ सब निजनंद स्वामी को बताया और अपने तीन प्रश्न पूछे। साधुराम महर्षि ने बताया कि जो इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है वो ही मेरे वंश के अभिशाप का निवारण बता सकते हैं। कोई भी काम कब शुरू करना चाहिए? अच्छा काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त, सप्ताह वर्ष देखने की जरूरत नहीं है। जिस पल काम करने की सोचते हैं उसी क्षण शुरू कर देना चाहिए। नागू को बचाने के लिए तुमने मुहूर्त सप्ताह नहीं देखा था ना? इसके साथ मिलकर रहना चाहिए सभी से। गरीब अमीर जाति पाति क्षेत्र धर्म जो इंसान को बांटने वाली चीजों को छोड़कर सभी के साथ एकजुट होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हारे वंश के लोगों को ये पता नहीं, गांव अलग है हम अलग है, उन्होंने इंसानियत छोड़ दी। वे कई लोगों की मौत के कारण बने और शापित हो गए। कुछ भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम एक इंसान हो, इस इंसानियत के कारण तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना नागू की जान बचाई। साधु राम ने सोचा कि इन प्रश्नों के माध्यम से वे तुम्हें प्रबुद्ध कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम्हारा पैर इस आश्रम के बाहर जमीन पर पड़ने से तुम प्रेतात्माओं के हाथों मरोगे। मैं मृत्यु से नहीं डरता स्वामी, लेकिन मेरे वंश के लोगों को अच्छे इंसानों की तरह बदलकर जीवन बिताते देखना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे वंश का श्राप दूर हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की कामना कम से कम 100 लोग करें जो लोग तुमसे संबंधित नहीं है। बस भगवान भी उस जीवन को अचानक नहीं ले जा सकते। भूत प्रेत तो क्या, बस तुम ऐसा करो कि हर दिन 100 लोग तुम्हारे वंश के लोगों की प्राणों की कामना करें। आपके वंश पर लगा श्राप समाप्त हो जाने का प्रमाण यह है कि तुम्हारे घर में बनाया गया खाना तुम्हारे वंश के कारण से मरने वालों की कब्रों पर रखो। कौवा या कुत्ता जो भी छू ले तो समझो कि तुम्हारे वंश का श्राप दूर हो गया। भूपति को नागू अपने कंधे पर बिठाकर जा रहा है। पहाड़ पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से हुमायूंपुर सरहद में लेकर आ गया। घर जाकर स्वामी जी की बताई सारी बातें अपने वंश के लोगों को बताकर उन्होंने गांव में अच्छे काम करना शुरू कर दिया। कुआं खुदवाया, पूरे 15 गांव हैं, 13 कुएं खुदवाया गया। अन्य 2 गांव के लोगों ने क्या पाप किया? अच्छा सवाल किया, निकम्मों ने हमारे गांव में तो कुआं गांव के अंत में खुदवाया। उतनी दूर रोज पानी लेने जाना मेरे बस की बात नहीं है।
मंदिर बनवाया, स्कूल बनवाए। निकम्बे कितने ही मंदिर और स्कूल बनवा ले, इनका पाप दूर नहीं होने वाला। गरीबों को प्रतिदिन अन्न दान कर रहे हैं ये लोग। घर पर 56 भोग खाते हैं, हमको चावल दाल सब्जी देते हैं। अगर मिठाई भी देते तो इनका जायदाद तो नहीं खत्म हो जाएगी, दरिद्र कहीं के। चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना किया जाए, कब्रिस्तान में कौवा खाना नहीं छू रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के बारे में अच्छी बातें करते हैं। जबकि ऐसा था, एक दिन भूपति निराश बैठा था, नागू वहां आया। भूपति, ये इंसान बहुत कम विश्वासी होते हैं, भलाई करने पर भी उसमें भी बुराई ढूंढते हैं, बुरा करने पर जन्म जन्मांतर तक याद रखते हैं, इन जीवों को विश्वास नहीं है। उस शब्द से मानो उसे एक विचार आया, वो उठकर गया और जाकर अपने वंश के सभी लोगों को बताया। तब से हुमायूंपुर वंश के हर घर के सामने छत पर रोज बाजरा, ज्वार, दाने डालना शुरू कर दिया। हर दिन उन्हें खाने के लिए सैकड़ों पक्षी आते थे। चूंकि नियमित रूप से दाने डालते जाते थे, इसलिए वो पक्षी उनके घरों के आसपास घोंसले बनाते थे और रोज दाने डालने का समय होने पर उनका इंतजार करते थे। जबकि ऐसा था, एक दिन कब्रिस्तान में रखे खाना कुत्ता और कौवे खा गए। कबूतर और पक्षी सैकड़ों की संख्या में आकर इनके द्वारा डाले गए दाने का इंतजार करते थे। इसका मतलब निजानंद स्वामी ने कहा कि कोई भी जीवित प्राणी तुम्हारी जिंदगी की कामना करे, पक्षी भी तो जीव ही है ना। हाँ, जो उनके लिए दाने डालते हैं वे रोज उनके आने की कामना करते हैं, वे जीवित रहें और रोज हमारे लिए दाने डालने की कामना करते हैं। और ज्यादा दाना डालने की समर्थ, आयु, ऐश्वर्य देने की कामना निस्वार्थ भाव से करते हैं वे गुंगे जीव। उनके कारण हमारे वंश को लगा अभिशाप दूर हो गया है। सरहद में पेड़ के तने में प्रेतात्माओं की आत्मा को शांति मिली और वे हवा में विलीन हो गए। अच्छे काम करना भी एक लत की तरह है। हुमायूंपुर के लोग भी अच्छे लोग बन गए। जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद करते हुए वे सभी के साथ मिलकर आराम से जीवन बिता रहे हैं।